हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताएंगे, बल्कि भोजपुरी एक्ट्रेस इनकी बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अक्षरा सिंह इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और मेनली फेमस हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी मूवीज़ के लिए। वो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था भोजपुरी फिल्म सत्यमेव जयते के साथ। और इस फिल्म में उनके अपोजिट में थे भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन जी। और ये फिल्म रिलीज हुई थी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे 2013 को। इन्हें इंडियन टेलीविजन पे भी काम करने का मौका मिला और इन्होंने हिंदी सीरियल में भी काम किया, जैसे काला टीका। इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया बहुत ही फेमस शो सर्विस वाली बहू, और इस टीवी सीरियल में इनकी एक्टिंग की काफ़ी अच्छी तारीफ हुई और इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी की इस टीवी सीरियल में, जिसके बाद इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। और अभी ये सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही करती हैं और गाने गाती हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी एक्टर अर्ली लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, अंजना सिंह का जन्म 30 अगस्त 1993 को पटना में हुआ था और इन्होंने शुरुआती शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल से की। उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया। इनके पिता का नाम विपिन सिंह है और इनके माता का नाम नीलिमा सिंह है। विपिन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इनकी माँ नीलिमा सिंह थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो कि भोजपुरी फिल्म में भी नज़र आती रहती हैं। फिल्मी बैकग्राउंड में होने के कारण इन्हें एक्टिंग में रुचि तो थी, लेकिन ये भोजपुरी फिल्म में आना नहीं चाहती थी। लेकिन विपिन सिंह और रवि किशन जी बहुत अच्छे दोस्त थे और उस समय 2013 में सत्यमेव जयते के लिए रवि किशन एक हीरोइन को तलाश कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी अक्षरा सिंह पे और उन्होंने विपिन सिंह जी से बात की इनके पिता से, और अक्षरा सिंह को यानी सत्यमेव जयते के लिए साइन किया। और सत्यमेव जयते 2013 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अक्षरा सिंह जी रातों रात भोजपुरी स्टार बन गई। 16 साल की उम्र से ही इन्हें डांसिंग का बहुत शौक था और ये एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ आइटम सॉन्ग्स भी करते रहती हैं। जब अक्षरा सिंह ने सत्यमेव जयते में अपना डेब्यू किया और ये फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, तो इनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई और इसके बाद इन्हें बहुत से भोजपुरी फिल्म भी ऑफर होने लगे थे। सत्यमेव जयते के बाद इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में, और उस फिल्म का नाम था बलमा बिहार वाला। बलमा बिहार वाला से अक्षरा सिंह को नेम मिला, फेम मिला, और ये फिल्म भी 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी। और इस फिल्म में उनके अपोजिट में थी, लीड रोल में थे खेसारी लाल यादव जी। इसके बाद अक्षरा सिंह जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इन्होंने अपना पूरा रुख भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कर लिया। अक्षरा सिंह भोजपुरी की क्वीन के नाम से भी फेमस हैं। उन्होंने बहुत सी भोजपुरी फिल्म में आइटम सॉन्ग्स किए हैं। अक्षरा सिंह जी ने कुछ टीवी सीरियल भी किए हैं, जैसे सर्विस वाली बहू, काला टीका जो कि जी टीवी पाता था, करण जो कि सोनी टीवी पाता था। और इसके बाद इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख टोटली कर लिया, जिसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्म और या हिंदी टीवी में कभी काम नहीं किया। अक्षरा सिंह महुआ टीवी पे एक शो आता था जिला टॉप, उस शो को होस्ट भी कर चुकी हैं। कि कुछ फेमस फिल्म है, सबसे पहले उन्होंने डेब्यू किया था सत्यमेव जयते में, उसके बाद रवि किशन के साथ उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई हमार देवदास फिल्म, उसके बाद फिल्म आई बलमा बिहार वाला, पुर के लक्ष्मण, बजरंग, एक बिहारी सौ पे भारी, कालिया, बिगोल और प्रतिघात जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्में, और जिन्होंने अक्षरा सिंह को बहुत ही कम समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा बता दिया। और इन फिल्मों ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा कलाकार दिया अक्षरा सिंह के नाम पे और पहुंचा दिया। अक्षरा सिंह की अगर फीस की बात करें तो अक्षरा सिंह जी हर फिल्म के लिए 7 से 9 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। दोस्तों, अगर आपको अक्षरा सिंह जी की बायोग्राफी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें, अभी किसी फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की बायोग्राफी जानने में इंटरेस्टेड हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर जानकारी के साथ।